हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी। ग्रेविटेशन का एक क्वेश्चन। एज्यूमिंग दैट द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी इज जीरो, रेफरेंस पॉइंट इनफाइनाइट पर कंसीडर किया। द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ द मास एम व्हेन द टेकन टू अ हाइट एच फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अर्थ ऑफ रेडियस आर दे रखी है, इज गिवन बाई, चार चॉइस दे रखी है सोल्यूशन। तो पहले एक डायग्राम बनाते हैं कि ये बना लिया मैंने अर्थ, ये अर्थ है, ये अर्थ का मास है कैपिटल है और ये अर्थ की रेडियस है कैपिटल आर। देखो एक ऑब्जेक्ट को ले आना, चेंज इन पर्सनल एनर्जी निकालनी है, एन ऑफ ऑब्जेक्ट मास है व्हेन टेकन टू हाइट एच फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। तो मतलब एक ऑब्जेक्ट है ये ना, ये ऑब्जेक्ट है जिसका मास स्मॉल एम है, पहले ये सरफेस पर है, इस जगह पर सरफेस पर है, फिर इस जगह पर पोटेंशियल एनर्जी लेट कर लेता हूँ, सरफेस पर है तो यू ए पोजिशन मान लेता हूँ, तो यू ए, फिर इस सरफेस से इसे कितनी हाइट पे ले गए, एच हाइट पे ले गए, यहाँ पे ले आए इस ऑब्जेक्ट को बी पॉइंट पर, मास एम एच हाइट पर ले आए तो ये एच हाइट ऊपर चले गए, तो इस जगह पर इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो यू बी है। ठीक है, चेंज इन पर्सनल एनर्जी पूछ रहा है, डेल्टा यू पूछ रहा है कि यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आएगा, दैट मीन्स फाइनल माइनस इनिशियल, ये फाइनल हो गया, ये इनिशियल हो गया, ये हमसे पूछा है। देखो बस केवल फॉर्मूले की जानकारी होनी चाहिए इसमें, कि एक छोटा सा पॉइंट यहाँ बना बता देता हूँ पहले, फिर इस क्वेश्चन को करते हैं कि अर्थ के सरफेस पर जो पोटेंशियल एनर्जी होती है इस जगह पर यू ए होती है माइनस का जी कैपिटल एम, कैपिटल एम स्मॉल एम का मल्टीप्लाई, अर्थ के सरफेस पर रखा है तो कैपिटल एम उस सरफेस तक की डिस्टेंस लिखनी है कैपिटल आर, और अगर इस वाले पॉइंट पे निकाल रहे हो यू बी तो फॉर्मूला होगा माइनस का जी कैपिटल एम स्मॉल एम ओवर कैपिटल एम और स्मॉल एम के बीच की शॉर्ट सेपरेशन। अब ये सेपरेशन लिखेंगे, पहले ये सेपरेशन लिखी थी क्योंकि ऑब्जेक्ट पहले यहाँ पे था तो ये सेपरेशन लिख ली थी, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट पहुंच गया है तो ये सेपरेशन लिखेंगे जो कि कितनी है आर प्लस एच। तो बताओ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऊपर चलने पर बढ़ी या घटी, सोच के बताइए। तो इंक्रीज हो रही है, ऊपर चलने पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है क्योंकि इनफाइनाइट पर जीरो है। तो देखो ये नेगेटिव में सबसे ज्यादा कहां पर है, इनफाइनाइट पर जीरो, नेगेटिव में बेटा। देखो ये आर प्लस एच इसकी कंपेयरिंग ज्यादा है, अगर आर प्लस एच जा रहा तो यू बी नेगेटिव में कम, नेगेटिव में कम मतलब ज्यादा, तो ये वाली एनर्जी इससे ज्यादा है, इन्फिनिटी पर जीरो है। ठीक है, अच्छा एक छोटा सा पॉइंट और बता दूं कि जो एक्चुअल में जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है जानते हो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जैसे ए पॉइंट का निकालना है एट पॉइंट ए ड्यू टू अर्थ निकालना है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट ए रेफरेंस पॉइंट इन्फिनिटी भी माना है, वी ए इज इक्वल टू होता है पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए डिवाइड बाई टेस्ट मास, जैसे स्मॉल बॉडी का मास स्मॉल एम है यहाँ पे तो स्मॉल एम, तो यू ए इज इक्वल टू एम इंटू वी ए, इसमें जो वी ए है ना वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है ड्यू टू अर्थ, और अर्थ की वजह से सरफेस पर जो पोटेंशियल होता है ना वी ए वो माइनस का जी कैपिटल एम ओवर कैपिटल आर होता है, और सरफेस पर जितना पोटेंशियल होता है वो यहाँ रख देंगे तो स्मॉल एम माइनस का जी कैपिटल एम बाई आर ये आ जाएगा। ऐसे किसी भी पॉइंट का अगर हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए जैसे ग्रेविटेशनल ये फॉर्मूला होता है बेटा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अगर आपको एट पॉइंट बी की निकालनी है तो कितना कितना लिखें, यू बी इज इक्वल टू एम इंटू वी बी, यहाँ पे जो वी बी लिखेंगे ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है ड्यू टू अर्थ, बी पॉइंट का पोटेंशियल लिख लो, तो बी पॉइंट का जो पोटेंशियल होता है वो माइनस का जी कैपिटल एम ओवर
आर प्लस एच, यहाँ रख देंगे तो पोटेंशियल एनर्जी निकल आएगी बी पॉइंट की, ये पता होना चाहिए। अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, ये तो मैंने आपको एडिशनल पॉइंट बता दिया। इस क्वेश्चन को करना है आपको तो चेंज इन परसेंटेज निकालनी है तो निकाल लो, डेल्टा यू बराबर यू बी माइनस यू ए, डेल्टा यू बराबर यू बी की वैल्यू पुट करें तो माइनस का जी कैपिटल एम स्मॉल एम ओवर आर प्लस एच एन माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई कैपिटल आर। इसमें से जी कैपिटल एम स्मॉल एम तो कॉमन आ गया, अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये वन अपॉन आर प्लस का हो गया भाई, इसको पहले लिख लिया मैंने, ये माइनस का ही है आर प्लस एच, ऐसे जी कैपिटल एम स्मॉल एम यहाँ से आर और आर प्लस एच एलसीएम ले लो ऐसे, और ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आर प्लस एच और यहाँ हो जाएगा आर, आर से आर कट गया, जी कैपिटल एम स्मॉल एम एच और ब्रैकेट में आर आर प्लस एच, ये देखो डेल्टा यू आ गया, यही आपका आंसर है। तो इसका आंसर है जी एम एम एच आर प्लस एच, ये वाला सी इज करेक्ट चॉइस। इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं हम, लेकिन चॉइस में यही है इसीलिए इसको यही इंक्लूड रोक दिया है, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। पढ़ते रहिए और खुश रहिए, थैंक यू।